नेहरू जी की आस्था एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन बिल्डिंग की थी। इसी के चलते उन्होंने टू नेशन थ्योरी का जब बहिष्कार किया, निषेध किया, तो यह कहकर किया कि यद्यपि बंटवारा इस बात पर हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होगा, इस उपमहाद्वीप के मुसलमानों को पाकिस्तान मिलेगा और हिंदुओं को भारत मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम सेक्युलर हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमान जहां रहना चाहें रहें, भारत में उनको समान अधिकार मिलेंगे। और पूरे भारत में एक सेक्युलर सिद्धांत, एक पंथ निरपेक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन होगा। लेकिन मन में वैसी निष्ठा नहीं थी। तो जब कश्मीर का भारत में विलय होता है तो एक गिल्ट कहीं रह जाती है कि साहब देखिए, ये हिंदू देश होते हुए भी मुसलमान इसमें विलय किए हैं तो कुछ कंसेशंस देने चाहिए। वो कंसेशन क्या है कि हम शेष देश में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन बिल्डिंग रखेंगे, लेकिन कश्मीर क्योंकि मुसलमान बहुल है, वहां आप अपना हिसाब किताब रखिए और उसके लिए हम आपको कंसेशंस देंगे, फायरवॉल्स बिल्ड करेंगे। ये शेख ने मांगा और ये हमने दिया। ये कैसे मांगा? ये शर्त नहीं थी उनके आने की। जब 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ, वो विलय जिन आधार पर, जिन कागजों के आधार पर, जिन शर्तों के आधार पर हुआ, वो वही थी जो 565 रियासतों में हुई। तब किसी ने 370 का सोचा नहीं था। तब भारत का संविधान तक नहीं बना था। भारत का संविधान बना नवंबर 1949 के दूसरे हाफ में आकर, जब प्रियम्बल लिखने के लिए लोग इकट्ठा हुए कि अब पूरा संविधान तैयार हो गया है, तो शेख अब्दुल्ला रुआंसा सा मुंह लेकर पहुंचे नेहरू के पास। नेहरू ने कहा, अच्छा भैया तुम्हें जो चाहिए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलो, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। इन्होंने कुछ वकीलों से सलाह मशवरा करके एक ड्राफ्ट बनाया आर्टिकल 370, जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ा, उन्होंने कहा तुम मुझसे इस नव स्वतंत्र राष्ट्र के साथ द्रोह करने को कह रहे हो। जिस देश के हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं, उस देश के एक राज्य विशेष के लोगों को अन्य नागरिकों से बेहतर प्रिविलेजेस देने की बात कर रहे हो। वो देश भर में कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा देश वहां आकर कुछ भी ना कर सके, ऐसी व्यवस्था चाहते हो? भगा दिया। मैंने कहा मेरे हाथों आप ये देशद्रोह नहीं करवा पाओगे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखकर कहा है। शेख अब्दुल्ला वापस ने साहब 370 पे तो ये हो गया। तो नेहरू सरदार पटेल जी से कहते हैं कि कांग्रेस की कार्य समिति में इसको पास करा लीजिए, क्योंकि अधिकांश संविधान सभा के सदस्य कांग्रेसी हैं, तो संविधान सभा में तो वो अपने आप पास हो जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति ने एक स्वर से इसका निषेध किया कि ऐसा संभव नहीं है। सरदार पटेल गृहमंत्री, उप प्रधानमंत्री थे। फिर से शेख रोते हुए नेहरू के पास जाते हैं और नेहरू विदेश यात्रा पर जाने से पहले गोपाल स्वामी अयंगार को तय करते हैं कि आप ये करवाएंगे संविधान सभा में, और पटेल से कहते हैं कि आप इसके लिए जो भी बंदोबस्त होना है कीजिए। अभी इस देश में चुनाव नहीं हुए हैं, अंतरिम सरकार है, संविधान बन रहा है और उस पर इस तरह के दबाव आ रहे हैं। इस नवनिर्मित सरकार में किसी तरह का टूट फूट ना हो, कोई मतभेद ना हो, उप प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री के प्रति किसी शंका का आधार न बने, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पछताओगे लेकिन मैं करता हूं। ये वीपी मेनन लिखते हैं बायोग्राफी में कि मैं मना करता रहा, लेकिन बाद में क्योंकि आदेश का पालन करना था प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने उसमें एक प्रीफिक्सेस डाले 370 में, टू कॉल इट टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट। तो धारा 370 एक
टेम्पररी, अस्थाई धारा है जिसको जाना है। उस धारा के आधार पर अन्य कानून बनते हैं। ये धारा 70 साल से टेम्पररी है भारतीय संविधान में, और आज इस धारा को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। इस धारा के बारे में झूठ बोला जाता है कि देखिए धारा 371 भी है, फिर 71 ए है, बी है, एफ है, एच है, नागालैंड है, मिजोरम है, हिमाचल है। उनमें बहुत अंतर है। धारा 370 का एक लिटमस टेस्ट है, और वो ये है कि कोई संविधान की धारा भारत की सर्वोच्च सार्वभौम संस्था, द सुपरमोस्ट सॉवरेन बॉडी पार्लियामेंट, के किसी अधिकार को सर्कमसाइज नहीं करती। 370 कश्मीर को भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखती है। यह संसद पंगु है, कश्मीर के विषय में कोई कानून बनाने में नपुंसक है। कारण धारा 370 है। देश के चप्पे चप्पे पर संसद कानून बना सकती है, आपका मत व्यक्त कर सकती है कश्मीर के विषय में। आप कश्मीर के विषय में इस संविधान के माध्यम से, इस संसद के माध्यम से आप कुछ नहीं कर सकते, धारा 370 ऐसा कहती है। उसके बाद 35 ए आता है, जिसमें आप कश्मीर में परमानेंट सिटीजंस की डेफिनेशन को पर्वर्ट करते हैं। वहां लाखों लोग ऐसे हैं जो विधानसभा में वोट नहीं दे सकते, वो संसद के लिए वोट दे सकते हैं, विधानसभा के लिए वोट नहीं दे सकते। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते, सरकारी वजीफे स्कॉलरशिप्स नहीं पा सकते। कि धारा 370 और 35 ए ये तय करते हैं कि कश्मीर का नागरिक कौन है, भारत का नागरिक छोड़िए। तो इसके चलते क्या हुआ, आपने कश्मीर को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक के अंदर एक एन्क्लेव की तरह, एक टापू की तरह, एक आइलैंड की तरह अलग तरीके से बनने दिया, जो किसी दृष्टि से सेक्युलर नहीं है। कश्मीर का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान है, मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने लोग जानते होंगे, कश्मीर ने संविधान सभा बना के स्वयं को एक संविधान दिया जो 1956 में लागू हुआ। हमको लगता था कि 26 जनवरी से 1950 को जो हमने स्वयं को एक संविधान दिया है, 6 साल बाद एक नया संविधान आएगा तो उस पर कुछ इंप्रूवमेंट होगी। ये एक रिग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, इसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र नहीं है। भारत के संविधान की धारा 25 से 30 तक माइनॉरिटीज को ऐसी प्रिविलेजेस दी हैं जो मेजॉरिटी के पास नहीं है। कश्मीर के संविधान में माइनॉरिटी शब्द का जिक्र नहीं है। कश्मीर की घाटी की 99% जनसंख्या आज मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी है, और हम जो सिंगल डिजिट में 3% हिंदू थे वो मेजॉरिटी थे कश्मीर के। ये परवर्जन है कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का। और इन बातों को छुपा के रखा गया, इन बातों को ढका गया। 35 ए जब संविधान में लाया गया तो संसद का को नहीं बताया, संविधान की प्रतियों में वो छपता तक नहीं है, एनेक्सर वन। कई कानूनविद हैं, जजेस हैं रिटायर्ड, जिनको पता नहीं कि 35 कैपिटल ए संविधान की एक धारा है। उस पर अब विचार चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में कि ये कहां से आई, कैसे आई, इसको किसने लगाया, क्या ये न्याय सम्मत है भी कि नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है क्योंकि एक पिटिशन मूव की गई। ऐसा छल कश्मीर के साथ हुआ है। आप सैयद अली शाह गिलानी के बयान पढ़िए, वो कहता है इवन इफ यू पेव आवर रोड्स विद गोल्ड। ये उसका बयान है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज तय करते हैं। कहते हैं इवन इफ यू पेव आवर रोड्स विद गोल्ड वी विल नॉट स्टॉप इंसिस्टिंग फॉर फ्रीडम।
ये वो खुले तौर पे कह रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, नहीं वहां विकास चाहिए। उनके हाथ में पत्थर है, हमने लैपटॉप देने हैं, आप लैपटॉप दीजिए, वो उसमें से बम बनाने की विधि डाउनलोड करेंगे, आपको आईईडी से उड़ाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम आपके यहां सड़कें बनाएंगे, आपके यहां पावर स्टेशन बनाएंगे, आपके यहां आईआईटीज बनाएंगे, आपका आईआईएम्स बनाएंगे। वो कह रहे हैं भैया हम पढ़ के आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, आप क्या बात कर रहे हो, हमारे पास कमी है क्या? इस देश में किसी फाइव स्टार होटल में यदि कोई शॉपिंग आर्केड हो जहां एक भी दुकान हो तो वो आपको किसी कश्मीरी मुसलमान की पाएगी जहां वो कारपेट और शॉल और अखरोट का काम बेचता है। पैसे की कमी नहीं है, वहां का औसत इनकम भारत की औसत इनकम का दुगने से ज्यादा है। कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का 70% है। पूरे कश्मीर में 1100 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कश्मीर में केवल 125 हैं। किसी को यह करियर भी नहीं सूझता क्योंकि वहां कोई टैक्स नहीं देता। हम पता नहीं किस मुगालते में हैं। हम जीवन भर पूरी राजनीतिक पीढ़ियों में 370 का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर जाकर कहते हैं इस पर बहस होनी चाहिए। आपके मैनिफेस्टो तो नहीं कहते कि इसमें बहस होनी चाहिए, वो तो कहते हैं इसका निषेध कीजिए। आप 70 साल से बहस ही तो कर रहे हैं, अगर इस पर बहस होनी थी तो फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान देकर के क्यों आए भाई? आप हर अभ्यास वर्ग में, गुरु दक्षिणा के हर कार्यक्रम से लेकर विजयदशमी के संबोधन तक घुट्टी में घोल के पिलाते हैं हमको। तो आज देश, समाज आपसे सहानुभूति रखने वाला, आपका अपना देशभक्त वर्ग आपसे कोई अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसके पास आपके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखता है। आपके बाद आपके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं सूझता है, और इस उपाय को वह व्यर्थ होते देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप बेकारी से खूब लड़िए, आप बेरोजगारी से खूब लड़िए, आप गरीबी से खूब लड़िए, लेकिन कश्मीर में वो लड़ाई नहीं है, ये बात मान लीजिए।